स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। समंदर किनारे लड़कियों के साथ मस्ती करने वाले बाबा की कहानी। दरअसल इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है और वो ट्विस्ट ये है कि जिस महिला और उसकी बेटी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, उसी परिवार की बहू ने कुछ और ही कह डाला है। उसका कहना है कि जानबूझकर, पहले तो दोनों की दोस्ती थी बाबा से और अब माँ बेटी जानबूझकर उन्हें फंसा रही। बाबा के खिलाफ जिन्होंने FIR कराई है वो मेरी नंद है, मैं उसकी सगी भाभी हूँ। वो ये कहीं बता ही नहीं रही है कि मैं उसकी सगी भाभी हूँ। अकेले ट्रिप पे भी गई हैं, 2014 में दिसंबर में वो गए हैं हांगकांग, मकाऊ भी गए हैं अकेले ट्रिप पे और बहुत अच्छे से मतलब घूम के आए हैं। एक अकेले बाबा और साथ में 6-6 लड़कियां, एक अकेले बाबा और हांगकांग की ये रंगीनियां। एक अकेले बाबा और मन्नतों का ये पूरा कारोबार। गोवा के समंदर में छपा छई करने वाले मन्नतों वाले बाबा उर्फ रजनीश ग्रोवर के चेहरे से नकाब क्या हटा, रोज बाबा को लेकर नए नए खुलासे होने लगे। अब तक तो बाबा पर लड़कियों से रेप करने, उनकी अश्लील तस्वीरें उतारने और उन्हें ब्लैकमेल करने के इल्जाम ही लगे थे, लेकिन अब बाबा की इस कहानी में बिल्कुल ही नया ट्विस्ट आ गया है। और ट्विस्ट भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि सास बहू का और बाबा की कहानी को बिल्कुल सिर के बल खड़ा करने वाला। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये पूरा माजरा बताएं, आइए कहानी में ट्विस्ट लाने वाली किरदार बाबा की हमराज और बाबा को लड़कियां सप्लाई करने की कथित मास्टरमाइंड से आपको मिलवाते हैं। आप पर ये इल्जाम है कि आप जो रजनीश ग्रोवर है उनको लड़कियां सप्लाई करते हैं और एक माँ और एक बेटी को आपने उनके पास भेजा, उनका रेप हुआ, जयपुर में FIR दर्ज हुई, पूरी कहानी, पूरी हकीकत क्या है? वो जो और जो कह रही है कि ये बाबा के खिलाफ जिन्होंने FIR कराई है वो मेरी नंद है, मैं उसकी सगी भाभी हूँ। वो ये कहीं बता ही नहीं रही है कि मैं उसकी सगी भाभी हूँ। ये सब जो डालने झूठ है, कुछ इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि कानून की मुलजिम होने के बावजूद इस वक्त हम इस लड़की का चेहरा आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिस लड़की और उसकी माँ ने इन बाबा के खिलाफ रेप की रिपोर्ट लिखवाई है, बाबा की हमराज ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के घर की बहू है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उनके घर की बहू। और इस बहू की माने तो ना सिर्फ बाबा के खिलाफ लिखवाई गई वो रेप की रिपोर्ट झूठी है बल्कि बाबा पर लगाए गए दूसरे तमाम इल्जामात भी गलत हैं। कि घर की बहू हूँ मैं और उन्होंने ये प्रेजेंट किया कि जैसे कोई अननोन आए और मेरे को ऐसे बदनाम और मेरे को हरास कर दिया। हाँ जी, वो अकेले ट्रिप पे भी गई हैं, 2014 में दिसंबर में वो गए हैं हांगकांग, मकाऊ भी गए हैं अकेले ट्रिप पे और बहुत अच्छे से मतलब घूम के आए हैं। उसके बाद उनकी पिक्चर्स हैं मेरे पास और हम लोग साथ में जब यूरोप गए थे, ग्रीस एंड स्विट्जरलैंड, तो हम लोग साथ में गए थे, तो ये भी था उनका। बल्कि अब तो बहुरानी का यहाँ तक कहना है कि उनकी जो सास और ननद बाबा के खिलाफ रेप का इल्जाम लगा रही है वो खुद ही कभी बाबा के साथ अकेले हांगकांग और मकाऊ की सैर करने गई थी और उनके बाबा के साथ बेहद अच्छे रिश्ते थे। लेकिन अपने ससुराल वालों के खिलाफ इसने दहेज की शिकायत क्या दर्ज करवाई,
बाबा रजनीश ग्रोवर ने उसका साथ क्या दिया। माँ और बेटी ने बहू के साथ साथ बाबा के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखवा दी। ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि ये जी मेरे साथ ये हो गया, आप FIR करिए। उन्होंने FIR नहीं करी, उन्होंने रिपोर्ट ले ली मेरी। उसके काउंटर ब्लास्ट में इन्होंने मेरे पे 3 जुलाई 2016 को मेरे पे ये चार्ज लगा दिए कि मैं लड़कियां सप्लाई करती हूँ, मैं ऐसा कुछ करती हूँ। ये सच नहीं है, ये तो झूठ है। ये अब मेरे हस्बैंड को बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया कि उसकी ये गलतियाँ छिप जाएं, कि उसने मेरे साथ क्या किया है, जो मैं उसके ऊपर केस डाल रही हूँ अब, वो छिपाने के लिए ये सब किया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। बाबा को लेकर एक करोड़पति खानदान के बीच छिड़े इस जंग के और भी कई पहलू हैं। बाबा की कहानी में अजीबोगरीब ट्विस्ट आ गया है। जिस माँ बेटी ने बाबा के खिलाफ रेप की रिपोर्ट लिखवाई थी, अब उन्हीं के घर की बहू बाबा के हक में खड़ी है और माँ बेटी के इल्जामों को झूठी साजिश बता रही है। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। खानदान की बहू ने न सिर्फ इस बाबा को बेदाग बताया है, बल्कि सबूतों के साथ अपनी सास और ननद के खिलाफ वो बातें कह रही है। उसका कहना है कि इससे पहले हांगकांग, मकाओ, सब ये दोनों जा चुकी हैं बाबा के साथ। क्या क्या आरोप वो लगा रही है देखिए। दिल्ली के एक अमीर परिवार में बैठ बनाकर इसके सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देने वाला बाबा रजनीश ग्रोवर उर्फ मन्नतों वाले बाबा की दुनिया जितनी मायावी है, उसके पीछे की हकीकत उतनी ही चौंकाने वाली। ये बात सारी दुनिया जानती है कि कल तक बाबा का पलाई और लकड़ियों का कारोबार था, लेकिन लकड़ियों का कारोबार करते करते बाबा कैसे लड़कियों के कारोबार के इल्जाम में घिर गए, ये जानना अभी बाकी है। दरअसल दिल्ली घिटोरनी के रहने वाले एक लड़की से बाबा की अच्छी दोस्ती थी। रोवर ने जब बाबागिरी की दुकान सजाई तो वो लड़का बाबा का सबसे खास हमराज बन गया। बाबा खुद तो दुनिया को अमन चैन से जीने का तरीका बताता था, लेकिन खुद बाबा के इस करीबी लड़के की निजी जिंदगी में ही भूचाल आ चुका था। दरअसल इस लड़के की अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती थी और पत्नी पुलिस के पास चली गई। अब परिवार में दरार आ गई तो बाबा घर की बहू के हक में खड़े हो गए। बस फिर क्या, बाबा को लेकर खानदान में जंग छिड़ गई। अब वो एकदम से ये एलिगेशन लगा रहे हैं क्योंकि मैं इन पे इनकी कंप्लेन कर दी कि इन्होंने ऐसे ऐसे करा है। क्या करा? दहेज के कि मेरे साथ इन्होंने बहुत बदसलूकी करी है, मेरे साथ ना बहुत गंदे संबंध इन्होंने करवाए। तो मैं अपने लॉयर के पास गई थी तो उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट बंद है तो जुलाई में होगा। मैं एक महीने से इनके पास आ रही हूँ, अपने लॉयर के पास आ रही हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं अब नहीं कर सकती, तो मेरा अब डिवोर्स भी आगे ऐसे है। इसके लिए मेरी 3 साल की बच्ची है जो अभी उसका ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ मैं, और वो मेरे साथ ही है। हम कहाँ जाएं मुझे समझ नहीं आता। बहू की माने तो इसी खुंदक में घर की बेटी और उसकी माँ ने बाबा के खिलाफ न सिर्फ रेप की रिपोर्ट लिखवा दी, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि बाबा किस तरह माँ बेटी को एक दूसरे की आपत्तिजनक तस्वीरें दिखा दिखा कर दोनों के साथ सालों तक बलात्कार करता रहा। बाबा बेसिकली ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत काम करा, और भी पता नहीं किन लोगों के साथ क्या क्या करता है ऐसे काम। और इसको बाबा बेसिकली ब्लैकमेल करके गलत काम कर रहा है मेरी और मम्मी के साथ, और गलत काम करे। लेकिन अब बहू की माने तो माँ बेटी ने बाबा को लड़कियों का सौदागर बताते हुए खुद अपनी ही बहू को इशारों ही इशारों में
इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बता दिया, जबकि उसके अपने घर की बहू होने की बात छिपाए रखी। अब ऐसे में अब बहू जहां बाबा के हक में खड़ी है, वहीं ये भी बता रही है कि किस तरह दोनों माँ बेटी खुद अपनी मर्जी से बाबा के साथ अकेले कई बार फॉरेन ट्रिप पर भी गई। अकेले ट्रिप पे भी गई हैं। 2014 में दिसंबर में वो गए हैं हांगकांग मकाओ भी गए हैं अकेले ट्रिप पे, और बहुत अच्छे से मतलब घूम के आए हैं। उसके बाद उनकी पिक्चर्स हैं मेरे पास, और हम लोग साथ में जब यूरोप गए थे, ग्रीस एंड स्विट्जरलैंड, तो हम लोग साथ में गए थे, तो ये भी था उनका। वैसे इन आरोप प्रत्यारोपों में सच क्या है और झूठ क्या, इसका फैसला तो कानून को करना है। लेकिन अब तक कहानी से इतना जरूर साफ है कि बाबा की वजह से एक अमीर परिवार में महाभूचाल आ चुका है। वैसे अब बाबा के हक में बोल रही घर की बहू यहाँ तक कह रही है कि बाबा तो बाबा हैं ही नहीं, बल्कि एक खालिस कारोबारी हैं, एक ऐसे कारोबारी जिन्हें दुनियादारी की समझ है, जो लोगों को अपनी सीखी हुई बातें बताते हैं। बहुरानी की माने तो उनके फैमिली फ्रेंड हैं, लेकिन उनकी सास और ननद खामखा बाबा को बदनाम करने पर तुली हैं, और ये सारे इल्जाम दरअसल दहेज के लिए लिखवाई गई उसकी शिकायत का पलटवार है। बाबा को लेकर एक करोड़पति खानदान में जंग छिड़ गई है। सास बहू और दहेज के झगड़े में बाबा की रंगीनियां बेनकाब हो रही हैं, और अब हालत ये है कि कल तक धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को ज्ञान बांटने वाला बाबा फिलहाल भागता फिर रहा है। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। ब्रेक, ब्रेक के बाद ईद मुबारक, देखते रहिए आज तक। तेलंगाना की यह खबर एक मिसाल है। वृद्धाश्रम में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। बेटे को फोन किया गया कि वो अंतिम संस्कार करे। उसने कहा, अब मैं हिंदू नहीं रहा, अब मैं ईसाई हो चुका हूँ, नहीं कर सकता। उसी वृद्धाश्रम में जो केयर टेकर थी एक मुस्लिम महिला थी, उसने बाकायदा खुद हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया इस व्यक्ति का। हिंदू रीति रिवाज से एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर रही याकूब भी यूं तो मजहब से मुस्लिम है, लेकिन ये इंसानियत का तकाजा था जो उन्हें शमशान भूमि मिले है। याकूब भी तेलंगाना के वारंगल जिले में ओल्ड एज होम चलाती है। इसी ओल्ड एज होम में एक 70 साल के बुजुर्ग कीर्ति श्रीनिवास की बुधवार को मौत हो गई थी। याकूब बी ने उनके बेटे को जानकारी दी, लेकिन उसने पिता का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। आखिरकार मुस्लिम महिला याकूब बी ने खुद एक बेटे का फर्ज निभाते हुए कीर्ति श्रीनिवास का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया, बाकायदा मुखाग्नि दी और इंसानियत की तवारीख में एक नया पन्ना भी जोड़ दिया। आज तक ब्यूरो। देश भर में आज ईद की धूम रही है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं पूरे देश में कैसे अलग अलग जगहों पर ईद मनाई गई है। लखनऊ की खास बात यह रही कि इस बार महिलाओं ने वहां पर नमाज अदा की। तस्वीरें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों की हम आपको दिखाएंगे, किस तरह से तमाम जगहों पर आज दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, इम्फाल ईद की धूम पूरे देश में रही। ईद में हर साल बॉलीवुड की तरफ से तड़का लग ही जाता है, जहां शाहरुख खान, आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट दोनों आज सामने आए और देश भर में बल्कि विश्व भर में लोगों को ईद की बधाई दी। ईद एक ऐसा दिन होता है जब मैं अपने फैमिली से मिलता हूँ, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, दिन भर हम साथ गुजारते हैं। और जब मैं छोटा था तब तो हमें ईद ही में बड़ी इंटरेस्ट थी, ईद से ज्यादा हमको ईद ही में इंटरेस्ट थी, लेकिन अब मुझे ईद ही देनी पड़ती है। तो इस साल किरण जी नहीं है हमारे साथ ईद में। तो सर, कुछ आपने स्पेशल ईद ही रखी है आजाद के लिए? नहीं, आजाद के लिए कोई स्पेशल ईद तो नहीं रखी है। आजाद को मैं बस 2 रुपए देता हूँ, ज्यादा बिगाड़ना नहीं उसको। जितने भी हमारे घर में तो सारे के सारे त्योहार मनाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ देम एक्चुअली
सब लोग साथ में मिलकर प्रार्थना करें या दुआ करें, कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई स्पेशल खाना होता है, बट बियॉन्ड दैट और कुछ भी नहीं। एंड आई थिंक ये जितनी भी फेस्टिविटीज़ हैं या फेस्टिवल्स हैं या रिलीजियस डेज हैं, जो भी है, चाहे दिवाली है या ईद है, आई थिंक ये इसलिए होता है कि सब लोग उस दिन को खुशी समझे और साथ में खुशी खाते। तो बस सिंपल सी बात है, और सबको छुट्टी भी मिलती, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।